एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाए हैं, इससे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो होते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उसके पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। हमको पता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। सेंटेंसेस हैव टू पार्ट, तो फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। अंडरस्टैंड टू ऑल, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। अभी जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है और हमारा प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हैं, तो इसमें देखिए जैसे क्या है, जैक एंड जिल। अब सब्जेक्ट क्या होता है, हमको तो पता है कि सब्जेक्ट वो चीज़ें होती हैं जो पूरे सेंटेंस में कुछ ना कुछ कुछ काम करने का काम करती हैं, लाइक किसी का नाम हो गया, कोई प्लेस हो गया, है ना। जो नाउन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है वो क्या है, नाउन है तो वो क्या है, जैक एंड जिल। जैक एंड जिल क्या है, यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो जैक एंड जिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट, सॉरी ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो बाकी बचा पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। मैनुअली जो प्रेडिकेट होती है वो किससे स्टार्ट हो जाती है, वर्ब से। किससे स्टार्ट हो जाती है, वर्ब से स्टार्ट हो जाती है सिंपली। ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, तो उसमें देखिए टू लिटिल वर्ड सेट ऑन अ वॉल। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा टू लिटिल वर्ड सेट ऑन अ वॉल। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट क्या है, टू लिटिल वर्ड्स, वेरी गुड। टू लिटिल वर्ड्स जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लिटिल वर्ड ही है जो बैठने का काम कर रही है, किस पे, वॉल पे, दीवार पे। और जो वर्ब है, वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, सेट, सेट ऑन द वॉल, सेट ऑन द वॉल। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है, आई कैच अ फिश अलाइव, मैंने एक जिंदा मछली पकड़ी। आई कैच अ फिश अलाइव, अब इसमें बताइए कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है। तो आई जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड कैच, कैच ही हमारी वर्ब हो गई। तो यहाँ से जितना पार्ट बचा वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों को डन करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ से होगा स्टार्ट और प्रेडिकेट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।